लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे भाई, आपसे कोई इसकी मदद क्यों नहीं करता? क्यों रे मास्टर परमानंद? अरे थाने में जाके मेरी रपट लिखवा दी। वो छोटे से प्लाट पे कब्जा किया था, कोई मंदिर मस्जिद तो नहीं तोड़वा दी ना? लेकिन वो प्लाट बच्चों के स्कूल के लिए। अरे क्या करेंगे बच्चे पढ़ लिख के, फिर तूने क्या कर लिया है? भाई आखिर में स्कूल मास्टर ही बना ना। मैं ऊपर तक जाऊंगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ऊपर जाएगा मास्टर, एकदम ऊपर। देख रहे मास्टर, जैसे तू स्कूल में बच्चों को बैंत से मारता है, वैसे ही मैं लोगों को चाकू से मारता हूँ। अरे मास्टर, क्या हो रहा भाई? अरे खड़े खड़े आप लोग मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से मेरी मदद करो और इसे गाड़ी तक पहुंचाओ। हिम्मत रखिए। थैंक्स। ये क्या हो रहा है? कौन है ये आदमी? किसी ने इसे चाकू मार दिया। ओके, हेल्प हिम। आराम से, संभल के, संभल के। क्या आप लोगों में से किसी ने इसे चाकू मारते देखा? कहां जा रहे हैं आप लोग? इतना बड़ा हादसा हो गया और आप लोगों में से कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं? क्या किसी में कोई हिम्मत नहीं है? क्या आप में से किसी ने इसे चाकू मारते नहीं देखा? मैंने देखा सर। बंद करो साले को। ओ साहब जी, माथा तो नहीं फिर गया तेरा? ना सबूत ना गवाह, भवानी चौधरी को अंदर करने चला तू? चुप बैठ साले, देख वो रही चश्मदीद गवाह, देख। सारे शहर को डरा रखा था ना तुमने? अब इस लड़की की हिम्मत की वजह से तुम इस जेल में चक्की पीसोगे। Hats off to you, Miss Preeti. Thank you, sir. अब मैं जा सकती हूँ? Of course. Thank you very much. आपने कमाल का काम किया। Thank you, sir. मैं पूछता हूँ, तू है कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है क्या कि जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई खतरनाक गुंडे की? उधर सड़क पे और भी तो सैकड़ों लोग खड़े थे, जब उनमें से कोई नहीं गया गवाही देने, तो तुझे क्या पड़ी थी बहादुरी दिखाने की? बाबा, हर कोई ऐसा सोचने लगा तो फिर हो चुका ना। बकवास की तो मुंह तोड़ के रख दूंगा मैं तेरा। अरे जो गुंडे खुलेआम एक आदमी को कत्ल कर सकते हैं, वो क्या तेरे घर में घुसकर तुझे, मुझे, तेरी माँ को, तेरी बहनों को नहीं मार सकते? उस वक्त तेरा ये आदर्शवाद नहीं आएगा हमें बचाने के लिए, समझी? तू अभी के अभी लौट के जा पुलिस स्टेशन और वापस ले ले अपनी रिपोर्ट। नहीं बाबा, ये काम मैं नहीं कर सकती। प्रीति, ये क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटी पर हाथ उठाते हैं क्या? अरे समझाओ इसे, समझाओ, वरना इसका आदर्शवाद किसी दिन भारी पड़ जाएगा हम सब पर। कह देता हूँ, पहलवान जी, जब से शादी हुई है ना, आप नाई दूती नाई दूती नाई दूती किए जा रहे हो बस। डार्लिंग, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, नाइट वॉचमैन की ड्यूटी सिर्फ नाइट में होती है। अगर वो नाइट में ड्यूटी नहीं करेगा तो किसी का घर लूट सकता है, किसी की इज्जत लूट सकती है। इज्जत लूट सकती है? तो फिर जाओ, जल्दी जाओ। चलो जाओ ना, छुपी छुपी जल्दी घर आ जाना। उल्टे बैठते हो? हाँ सीधा बैठता हूँ। सुबह सुबह मैं जल्दी आ जाऊंगा, दिन में सोऊंगा, रात को फिर नाइट ड्यूटी। नाइट ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, माय नाइट ब्यूटी, नाइट ब्यूटी, नाइट ब्यूटी। टाटा, मैं आता। टाटा, मैं आता। टाटा, टाटा, उछलते हुए ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए तो मैंने अपना तन मन धन सब तुमको दे रखा है। अरे नहीं जी, हमको तीनों चीजें नहीं मांगता। तुम ऐसा करो, धन तुम रखो, मन पति को दो और धन मेरे को दो। क्या कर रहे हो?
और जी हर कलाकार प्रोग्राम शुरू करने से पहले वंदना करता, मैं भी तुम्हारे लिए वंदना करता। इंगा बोंगे इंगा ओंगा उंगा वाना इंगा बोना अंगा बोंगे रर 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 इंगा ओ एरम उंगा। अयो म्यूजिक अच्छा चलता। ये तो पहलवान जी के मोटा साइकिल की आवाज है। डंडा ले गया लेकिन अपनी पिस्तौल तो भूल ही गया। अयो ये कैसा कर दी, इधर चुप रहने को जगह नहीं। प्यारी 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 तुम तू क्या कर रहा है यहाँ? कमाल है, ये मेरी बीवी के बेड के गोल गोल चक्कर क्यों काट रहा है? राम प्यारी, राम प्यारी उठो। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरा डायलॉग है, तुम इसका जवाब दो। अरे हाँ याद आया, मुझे पलोचियों ने बताया था इनको नींद में तलने की आदत है। एक बार ये नींद में तलते तलते रेलवे स्टेशन चले गए और वहाँ ट्रेन पकड़ कर पूना पहुँच गए। हाँ। अच्छा, चलो अच्छा हुआ रेलवे ट्रैक पे नहीं गए। हाँ। वरना तो सीधे ऊपर पहुँच जाते। नींद में। लेकिन एक बात बताओ। हाँ। तुम ये दरवाजा खोल के क्यों सो रही थी? मैंने सोचा कहीं आप नाई दूती से जल्दी ना आ जाए, इसलिए दरवाजा खोल के ही सो गई। इससे पहले कि ये यहाँ सो जाए मैं इनको घर पे छोड़ के आता हूँ। ये तो अच्छा हुआ पिस्टल की वजह से मैं घर पे आ गया, वरना मुत्थू साहब की बीमारी के बारे में मुझे पता ही नहीं चलना था। नींद में जरा स्लो चलते हैं आप। ये तो मुत्थू पिल्ले, इसको रात को क्या हो गया? चलो चल के देखते हैं यार। अरे ओ पहलवान जी, अरे भाई ये पिल्ले साहब को क्या हो गया है? दरअसल पिल्ले साहब को नींद में चलने की आदत है। ये मेरे घर में घुसकर मेरी बीवी के बेड के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे, बस इनको घर पे छोड़ने जा रहा हूँ। पिल्ले साहब इधर आइए आइए। अम्मा ये पहलवान तो मेरे दिमाग की नस फांस के चला। अरे भाई अजीब वो गरीब बीमारी पिल्ले साहब को कहाँ से हो गई? सीता भाभी आप भी कमाल करती हैं, आपको नहीं पता इनको क्या हुआ है? अगर इनको नींद में चलने की आदत है तो लाइक ए गुड वाइफ, आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा पति बड़ी मुश्किल से मिलता है। नींद में हंस रहे थे। अयो मुत्तू ये बीमारी तुमको कब से हो गया? बड़ा अच्छा लगा कोकी, फिर आती हूँ जसमीत। बाय बाय। ओ हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो आप यहाँ? अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी, और आप? मैं तो यहीं रहता हूँ, दैट्स माय हाउस। अरे संभल के। उस दिन जिस आदमी को अस्पताल ले गए थे उसका क्या हुआ? वो तो सही वक्त पर अस्पताल पहुँच गया, इसलिए बच गया वो। किस बेदर्दी से गुंडों ने उसे मारा और लोग खड़े खड़े देखते रहे। अगर उस वक्त मैं होता ना तो मारने वाले के हाथ पैर तोड़ देता। डोंट वरी, पुलिस भी वही काम कर रही होगी। दैट्स गुड न्यूज। अच्छा पुलिस में रिपोर्ट किसने लिखवाई? मैंने। आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? जी हाँ। फैंटास्टिक, बहुत हिम्मत रखती हैं आप। हिम्मत तो झूठ बोलने के लिए चाहिए, सच बोलने के लिए नहीं। ब्रिलियंट, बहुत खूब कहा आपने, ये भी सही है। कमाल है, हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं और हम एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते। I'm sorry, I'm प्रीति, प्राइवेट फर्म में काम करती हूँ। I'm अविनाश, मैं दूध बेचता हूँ। जी? I mean to say milk products. चलिए इस बात पर मैं आपको चाय बना के पिलाता हूँ। आप बनाएंगे? और तो कोई है नहीं घर में, वैसे आप नौकर के हाथ की पीना चाहे तो वो भी मिल सकती है। जी नहीं, फिर कभी। अकेला रहता हूँ इसलिए। जी नहीं, वो बहुत देर हो चुकी है ना और लगता है जोर से बारिश भी आने वाली है तो। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, मैं रिक्शा लेकर चली जाऊंगी। थैंक्स, बाय बाय। ये क्या कर रहे हैं? कौन है भाई? अरे छोड़ दो मेरे। अरे दगड़ू देख,
कच्ची काकड़ी जैसे पतड़े पतड़े नरम नरम पांव हैं इसके, और उंगड़ियां देख कौली भिंडी जैसी हैं। चटका के देखो। नहीं नहीं, मैं तेरे हाथ जोड़ू, तेरे पांव पड़ू, मेरे बेटे को कुछ मत कह, बाकी तू जो कहेगा वही बयान दे दूंगा। ना जी ना, चौधरी साहब ने मुझे नहीं मारा। तुम किसके दबाव में आके ये बयान दे रहे हो मास्टर? दबाव कैसा जी, वो तो जब मुझे पता चला कि आपने किसी बेगुनाह को गिरफ्तार कर लिया है तो बेचारे को बचाने की खातिर मैं आ गया। तो फिर ये घाव कैसे लगे, मैं जान सकता हूँ? घाव तो जी पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी, कुछ सरिये बाहर निकले हुए थे। अच्छा अच्छा, ट्रक ने पीछे से मारा और घाव आगे से लगे, वो कैसे? ओ सर जी महाराज, कैसे हुआ क्या हुआ वो बाद में पूछना, पहले भाई साहब को बाहर निकालो। पाए लागू भाई साहब। अच्छा बच्चोटे, ओ साहब जी महाराज जी, मार काट और खून खराबा करने के बाद पुलिस वालों से कानूनी तौर पर निपटने के लिए लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा मेरा छोटा। नमस्ते कर भाई। अरे प्रीति, घर नहीं चलना क्या? नहीं तो जा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी निकल, तेज बारिश होने वाली है। ओके बाय। ऑटो ऑटो ऑटो। जितना चाहे पानी डालो, सिर्फ कीचड़ी धुलेगा, कोई कलंक नहीं धुल जाएगा। आप क्यों उसके जले पर नमक छिड़क रहे हो? चुप रहो, सिर्फ उसका जला दिखाई दे रहा है तुम्हें और मेरी बर्बादी दिखाई नहीं देती। अरे इस मंदिर के सहारे पूजा पाठ और कथा करके इज्जत से जीने वाला एक मामूली आदमी हूं मैं। अब देखना तुम हम सगे संबंधियों के बीच मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। अरे कोई बड़ी ख्वाहिश, बड़े सपने नहीं थे मेरे। तीन बेटियों का बाप मैं बस इतना चाहता था कि जोड़ तोड़ करके किसी तरह इन तीनों के हाथ पीले कर दूं, तो समझो कि गंगा नहाया। लेकिन अब वो भी मुमकिन नहीं होगा जब जमाने भर को पता चलेगा कि ये अपनी नाक कटवा चुकी है कमबख्त, तो किसके गले मरूंगा मैं इसे? बाबा अब दीदी को क्यों डांट रहे हो, इसमें दीदी की क्या गलती है? अरे गलती तो तुम्हारी भी नहीं है बेटी, पर इसकी सजा तुम्हें भी भुगतनी पड़ेगी। इसकी वजह से तुम्हारे लिए भी कोई रिश्ता नहीं आएगा। याद रखना बेटी, अब तुम दोनों की दोनों सारी उम्र ही कुंवारी बैठी रहोगी, और यह समाज कोच कोच कर हम सबको जीते जी मारता रहेगा, हर तरफ से उंगली उठेगी,
कि वो देखो वो रहा तुलसी राम व्यास जो लोगों को राम कथा सुनाया करता था और आज अपनी व्यथा सुनाने लायक भी नहीं रहा।